राम राम जी। आज हम मूंग दाल का चिल्ला बनाएंगे। ग्रीन वाली दाल होती है जी, का चिल्ला बनाएंगे। मैंने 1 कप मूंग दाल लेके उसको रात भर भिगो के रखा। उसके बाद उसका पानी निकाल के अच्छी तरह उसको ग्राइंड किया। अब इसमें मैं नमक मिर्च डालूंगी आपके सामने। पहले उसकी स्टफिंग तैयार कर लिए, जो स्टफिंग उसमें स्टफ करनी है चिल्ले में, वो उसके लिए मैंने 100 ग्राम पनीर घर में बनाया, काट के रखा है। थोड़ी सी फ्रांस बीन, थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ा सा अदरक ग्राइंड करके रखा है, थोड़ा सा टमाटर। अब हम उसकी स्टफिंग के लिए तैयार करेंगे, बाद में चिल्ला बनाएंगे। गैस ऑन करके कढ़ाई मैंने रख दी है, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जो मैंने जिंजर रखा ग्राइंड करके वो डालेंगे पहले। ये तैयार हो गया। अब नमक मिर्च डालेंगे। छोटा आधा चम्मच नमक, वैसे स्वाद अनुसार डालते हैं, कोई तीखा खाता है कोई कम खाता है। थोड़ी सी काली मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च। मैं इसमें हल्दी नहीं डालूंगी क्योंकि वो ग्रीन वाला है, उसको बाद में रखूंगी। ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा क्रंची रखेंगे। ये टमाटर इसके बाद में डालेंगे हम पनीर, क्योंकि अगर पनीर को ज़्यादा हम फ्राई करते हैं वो बहुत ही थिक हो जाता है, इसीलिए पनीर को हम बाद में डालते हैं। हमारी कटिंग के लिए जो मटीरियल तैयार हो गया, अब हम इसको ढक के साइड पे रख देंगे। इतनी देर हम चिल्ला बनाएंगे। फ्राई पैन मैंने रख दिया, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाना है, ज्यादा नहीं। जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको हम निकाल देंगे। गैस सिम कर देंगे। अब हम इसमें नमक मिर्च डालते हैं। इसमें मैंने 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक ये डाल के इसको ग्राइंड किया। अब नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, धनिया पाउडर, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फ्राई पैन हमारा गर्म हो चुका है, अब हम डालेंगे इसमें
इसको अच्छी तरह पला के इसको पतला कर देंगे। जब तक ब्राउन नहीं होता हम इसको पलटेंगे नहीं, इसकी नीचे की लेयर ब्राउन हो जाएगी फिर इसको पलटेंगे। ब्राउन हो गया बिल्कुल, बहुत ही फ्लफी बहुत ही सॉफ्ट बना है। दोनों तरफ से हम कोई ना इसको पकाएंगे। हमारा चिल्ला बनके दोनों तरफ से ब्राउन हो गया, रेडी हो गया। अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। गैस बंद कर दी। बहुत ही हेल्दी बहुत ही जल्दी बनता है, बहुत ही अच्छा। ये बनाई हुई मैंने इमली की मीठी चटनी है, ये ग्रीन वाली चटनी। आप जैसे भी इच्छा, आप दही के साथ भी खा सकते हो, बटर के साथ भी खा सकते हो। बहुत ही अच्छा हेल्दी और बहुत जल्दी बन जाता है। आप बनाएं और मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।